प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार, मैं पवन शास्त्री और आज मैं लेकर के आया हूं जो ऑर्केस्ट्रा में या आपने बैंड में सुना होगा, काफी ऐसा टोन बजाते हैं वो कि एक बार जब उंगलियां रख लिया कीबोर्ड पे तो फिर वो चलती रहती हैं और उसी धुन पे क्या नाचते हैं लोग, क्या धुन बजती है, नॉन स्टॉप बजती है। तो ऐसी धुन को मैं लेकर के आया हूँ और ये आपको मैं बताने वाला हूँ नॉन स्टॉप कैसे प्ले करेंगे। तो पहले इसको सुन लेते हैं और थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, मैंने इसको कीबोर्ड पे प्ले किया हुआ है। देखा आपने ये कैसा है और कितना बढ़िया लग रहा है। अभी ये छोटा सा वीडियो मैंने इसका रिकॉर्ड किया है और इसमें अभी नॉन स्टॉप में और भी इसमें प्ले होते रहते हैं और भी सॉन्ग इसमें बढ़ते रहते हैं, तो सॉन्ग कैसे बढ़ाते रहेंगे उसको भी देख लीजिएगा। और इसके लिए हमेशा की तरह मैं पहली काली ही रखूँगा सी शार्प, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। बाद में आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं जहाँ से भी आप इसको प्ले करना चाहें। अगर आप ऑनलाइन संगीत सीख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है रियाज ऐप, जिसमें आप रियाज करके अपनी सिंगिंग को बेस्ट तरीके से निखार सकते हैं, जिसमें इंडियन क्लासिकल कार्नेटिक वेस्टर्न संगीत के हजारों लेसन हैं, तो वहीं पे बॉलीवुड और भजन के हजारों सॉन्ग्स हैं। अगर आपको कोई सॉन्ग रियाज ऐप पे नहीं मिल रहा है तो उसे यूट्यूब से शेयर करके रियाज ऐप में सीख सकते हैं। इसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जा करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूजिक है, ऊपर से प्ले करेंगे और भी बढ़िया लगेगा। देखें क्या है। सबसे पहला जो सॉन्ग प्ले हुआ था इसमें, जिसका मुझे था इंतजार, है ना, सीधा सीधा जिसका मुझे, तो हो गया सा सा गरे सा। अब था इंतजार इसी पे, था इंतजार सा सा गरे सा, जिसके लिए दिल सा सा गरे सा, था बेकरार सा सा गरे सा, हो गया। अब यहाँ आ गए वो घड़ी, वो हो गया धापे और घड़ी में आ गया धा धापा, वो घड़ी आ आ में पामा आ, तो हो गया वो घड़ी आ गई, गई में मापा गई आ गई। अब यहाँ आ गई में मापे हो गया आ और गई में देखें आ गई मा गामा, आ हो गया मापे और गई में गामा आ गई, है ना। तो क्या हो गया, है ना। अब ये लास्ट लाइन आ गई, फिर गरसानी कोमल नी का प्रयोग गरसानी, तो इसमें नी कोमल का प्रयोग किया गया है मंत्र सप्तक में, बाकी सारे गा मा पा धा है ना शुद्ध है। आ गए जाना है ना गरसानी, फिर नी 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 सा सा गरे सारे, और फिर इसी को रिपीट करेंगे सानी लेकर के, और सापे रुक जाएगा, ठीक। तो मेन बात तो यह है कि ये सॉन्ग आपने बजाया भी होगा, देखा भी होगा। अब इसमें ऐड कैसे करेंगे, तो नागिन को अब यहीं से ऐड करना है, देखिए बजा के। से हम चलेंगे सा गा पा धा, ये चलेंगे सा गा पा धा।
क्या चला? सा गा पा धा पा धा पा धा पा। बहुत ही आसान, ठीक। क्या है? सा गा पा धा पा धा पा धा पा। अब नागिन का जो अभी हमने नोट्स यहाँ पे प्ले किया वो पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे इस वीडियो में, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको देख करके प्ले कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, सेम यही नोटेशन में मैंने इसको बताया है और पहली काली से बताया है, यही चीज है। तो ये आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, अब इसमें दो सॉन्ग हो गए, अब इसमें मान लीजिए हमें तीसरा सॉन्ग जोड़ना है, इसी टाइप का कोई तीसरा जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेगा? यहीं से जोड़ देंगे। देखें, तीन हो गया। अब देखें, नॉन स्टॉप प्ले होता चला जाएगा, बस ध्यान ये रखना है आपको कि यहीं से आपको जोड़ना है सॉन्ग, जो भी जोड़ना है। हाँ, जोड़ सकते हैं अंतरे से भी, कुछ सॉन्ग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से हो, इसी तरीके के होने चाहिए जैसे आप लाइट प्ले कर रहे हैं तो लाइट में हो, बहुत ज़्यादा अंतर ना हो जाए कि आप यहाँ प्ले कर रहे हैं शुद्ध गा, कोमल गा और कोमलनी, उसके बाद पता चले कि आपने इसमें शिवरंजनी ऐड कर दिया या भैरव ऐड कर दिया, वो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप चौथा सॉन्ग जोड़ना चाहें, चौथा गाना इसी में चलते में आपको ऐड करना है, नॉन स्टॉप प्ले करना है, तो कैसे प्ले होगा? तो इस तरीके से आप गानों को एक के बाद एक ऐड करते चले जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी ये टोन्स हैं, इन टोन्स को अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इनमें से कोई ऐसा भी टोन है जिसका नोटेशन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका नोटेशन मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बना करके जरूर दूंगा, ताकि आपके वो काम आ सके, आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। और उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।